केदारनाथ मंदिर। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करी तुम्हारा सब भलो आज और हमीय भलो आज। तो आज के आबारों चले आसा तुम्हारे ड्रीम प्लेस नहीं एक ब्लॉग करते। तो थंबनेल देखे बुझते ड्रीम प्लेसटा कि होते चले। तो खूब एक्साइटेड आज के दिन का। तो तुम्हारा ड्रीम प्लेस और वीडियो वीडियो स्किप ना करे पूरा वीडियो देखो, अनेक अनेक करे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आर जो तुम्हारा फेसबुके देखे थको ताले बेल आइकन दबाओ जी और फॉलो करो पेज। तो गाइस हमरा एखन होटल थेके चले एसेछि गंगोत्री हेलीपैडे और हमरा एखन हेलीकॉप्टरे करे जाबो केदारनाथेर भाटा। तो ততক্ষণ তোমরা সাথে থেকে কিছু ভিউ এনজয় করো। गाइज आमरा फाइनली भाटाते पहुंचे गेछि आर आमरा एखन होटेलेर दिके रवाना देब। तारपरे आमादेरके आर किछु समयेर मध्ये एक घंटार मध्ये आबार एकटा चपार देबे, सेई चपारे करे आमरा केदारनाथ टेम्पलेर दिके रवाना। ओइ देखते पाच्छो सामने ओइगुलो हच्छे आमादेर आजकेर কটেজ, आजकेर रातेर जन्य। तो चलो केदारनाथ गिये आबार तोमार साथे देखा होबे, तार आगे किछु सिनेमेटिक भिउ एनजय करब आमरा। बाय बाय बाय। गाइज आमरा तो होटेले पौंछे गेछि किन्तु आमादेरके बला होयेछिलो जे एक घंटा केदारनाथेर हेलिकप्टरटा आमादेर एखान थेके छाड़बे, किन्तु एक घंटा हो गेछे आरो बोललो 30 मिनट्स टाइम लागबे, तार माने एखन 11 बजे। तो 11:30 ते आमादेरके छाड़बे। एबार तुमि आमादेर होटेलेर साथेई लागानो हेलिपैडटा आर एकटा सुंदर दृश्य देखाई, देखो पहाड़टा। पहाड़टा देखे मने होबे तीनटे लाभ, एकटा दुटो तीनटे, अमेजिंग एकटा पहाड़ देखलाम, ताई जोन्नो तोमादेर साथे आमरा शेयार करलाम। केमन लागछे जानाओ। तो गाइज आमरा पुरो मंदिरेर पाशेई चले एसेछि, हेलिपैड थेके मात्र 500 मीटर रास्ता, हेटे हेटे आमरा जाच्छि। तो चलो जोदि तोमादेर भिउ देखाई। तो गाइस ये सामने जो झरनाटी देखते और कि जलप्रवाहित ये बला है दुधुआंगा और सामने ही केदारनाथ मंदिर। तो गाइस देखते ही पाच्छो भालो बृष्टि होच्छे, तार मध्ये चले एसेछि आमरा केदारनाथ। पिछने मंदिर देखते पाच्छो, कमन एक्साइटेड होच्छे तो बहुत 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 खूब 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 एक्साइटेड, मा खूब एक्साइटेड, बाबा एदिके रेनकोट पड़छे, बाबार माथा खूब शरीरटा खराब हये गेछिलो, शरीर खूब खराब हये गेछे। केमन लागछे जानाबे तोमरा। तो गाइस देखते ही पाच्छो दीदी जालानिते चले एसेछे और साथे एकटा दुटो रुद्राक्ष मालाओ निये नेब आमरा। तो गाइस आमार मंदिरेर भिउटा देखो, खूबी सुंदर एकटा भिउ। आर जे पिछने जे पाथरटा देखते पाच्छो एटा ओई बन्यार समय पाथरटी एसे मंदिरके बाँचिये दियेछिलो। तो देखो हेलो। तो गाइस आमरा फाइनालि मंदिरेर भिउटाते ढुकछि। বন্ধুরা মন্দিরের ভিতরে ফোন নিয়ে যাওয়ার এলাউ নেই, আমরা মন্দিরে পুজো দিয়ে আসলাম, খুবই শান্তি লাগলো আমাদের। দেখো তোমার মন্দিরের ভিউটা। তো বন্ধুরা আমরা এখন মন্দিরের পেছনে আছি, দেখো দেখতে পাচ্ছ মন্দিরের পেছনে একটি পাথর, এটার নাম হলো ভীমশিলা। বন্ধুরা সবথেকে লাইফের ফার্স্ট ড্রিম পূর্ণ হলো আজকে কেদারনাথ। আর তোর? আমারও খুব মানে বড় একটা ড্রিম ছিল, তো এটা আমাদের পূরণ হলো। এবার কেদারনাথ থেকে আমরা কেদারনাথের পাশে যে সাইট সিন গুলো আছে সাইট সিন গুলো ঘুরে তোমাদেরকে দেখাবো। তো তোমরা সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো পুরো সাইট সিন গুলো। আর তোমাদেরও কোনো ড্রিম পূর্ণ করতে তোমরাও চলে আসো। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না প্লিজ। ভাই তিলক লাগাচ্ছে, ও খুব মানে খুশি আজকে, আজকে ওর লাইফের সবথেকে বড় খুশি, আমারও তাই।
সো গাইস এইটা দেখতে পাচ্ছো এই ব্রিজের নিচে যে নদীটা যাচ্ছে আর কি জলপ্রবাহিত এটা হচ্ছে সরস্বতী নদী এই নদীর জলপ্রবাহিত এখানেই ছিল আর ওই কোণায় যে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছো ভৈরব মন্দির ওটা হচ্ছে ভৈরব মন্দির আর এদিকে মন্দাকিনী নদী আর ওই পাশে হচ্ছে মন্দাকিনী নদী খুবই ভালো জায়গা আমাদের তো খুবই ভালো লাগছে প্রচুর এক্সাইটমেন্ট গাইস ভিডিওটি সাথে থেকে ফুল এনজয় করো তোমরা আমাদের সাথে হরার মহাদেব হরার মহাদেব সো গাইস আমরা এখন পূজো দিয়ে হেলিপ্যাডে পৌঁছে গেছি এবার আমরা হোটেল পৌঁছাবো হোটেলে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে সাইট সিইং এর উদ্দেশ্যে রওনা দেব সো গাইস আমরা হোটেল থেকে লাঞ্চ করে বেরিয়ে পেলাম সাইট সিইং এর করতে তো চলো তোমরাও আমাদের সাথে কিছু সিনেমেটিক ভিউ এনজয় করো আমাদের ছিল দুটো সাইট সিইং কেদারনাথে তো এখন একটা সাইট সিইং এ চলে এসেছি এই যে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছি বুঝলে এটার নাম হলো শ্রী ত্রিয়োগী নারায়ণ মন্দির তো চলো মন্দিরে গিয়ে তোমাদের ভিউ দেখাই यहाँ पे भगवान शंकर की शादी हुई है विष्णु साक्षी करके विष्णु भगवान को माता पार्वती ने भाई का रूप माना है भाई माना है तब जाके शादी की आपको पता होगा कि पहली पत्नी शिव जी की पहली पत्नी थी वो हरिद्वार कंकाल में सती हो गई थी तो माता मैना की कोख से माता पार्वती ने दोबारा जन्म लिया है तब जाके यहाँ पे शादी की हिमाचल राजा के घर में माता मैना की कोख से तब दोबारा शादी की विष्णु भगवान को साक्षी मान के तो प्रांगण में पहले चार कुंड हैं पहला ब्रह्म कुंड दूसरा रुद्र कुंड दो कुंडों में स्नान होता है तीसरा है विष्णु कुंड में चरणामृत होता है चौथा है सरस्वती कुंड में पितृ तर्पण होते हैं और उसके बाद है धर्मशिला जहाँ पे माता पार्वती का कन्यादान हुआ वहाँ पे पूजा डाला जाता है पूजा होती है सौभाग्य पूजा होती है उसके बाद आगे आएंगे आगे पंचनाम देवता हैं द्वारे पर गणेश जी हैं अन्नपूर्णा माता है ईशानेश्वर महादेव हैं अर्धनारीश्वर महादेव हैं और बजरंगबली हैं সো গাইস আমরা সেকেন্ড টেম্পলে চলে এসেছি এটার নাম হলো গুপ্তকাশী তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি তোমরা দেখো কাশী হ্যাঁ यहां पे जो है भगवान शिव शंकर ने गुप्त रूप में यहां पे छिप गए थे तो छिपने के बाद जो है यहां पे लिंग के शिवलिंग के रूप में जो है स्थापित हो गए तो ये गंगा जमुना की धारा है यहाँ पे मणिकर्णिका कुंड है जैसे केदारनाथ में जैसे घीमला जाता है जी यहाँ पे जो है ये नारियल के दान का विशेष महत्व है केदारनाथ में घीमलना और नारियल के दान का विशेष केदार यात्रा और साइट सीइंग व्यू कैमन लगलो आशा करी तुम्हारा वीडियो भले लगे और अपना जरा পেজটিকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করো আর যারা ফেসবুকে যে ভিডিওটি দেখছো তারা অবশ্যই ফলো লাইক আর বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করে দিও তো আর তোমরা সবার কাছে ভিডিওটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেশি বেশি করে শেয়ার করো যাতে ভিডিওটি সবার কাছে পৌঁছায় তাতে আমরা আরো ভালো ভালো ভিডিও আনতে পারি আর আমাদের নেক্সট ভিডিও আরো ভালো ভিডিও আসছে তোমরা সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো তো তো আজকের এই পর্বটি এই অবধিই থাক তোমরাও ভালো থাকবে আমরাও ভালো থাকবো ও দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থেকো বাই বাই বাই